हुट्टापाड़ रैली करने जा रही है। हुट्टापाड़ रैली का नाम इसका इसलिए दिया गया है कि जो आज सरकार है, जिसने अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जातीय जहर घोलने का काम किया, किसी को कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग के अंदर कोई संतुष्ट हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो। एक छोटा सा जुमला कह लो या आप इसको एक छोटा सा लालच मान लो, चुनाव से पहले जो 18,000 आज नौकरियां दी, आप लोगों ने देखा होगा 18,000 नौकरी के पीछे 18,00,000 आवेदन आए थे, और ये नौकरी जो डी ग्रुप की मिली इसके अंदर लगभग कोई बीटेक किया हुआ है, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है। तो इस टाइप के जो युवा देश के लिए आगे ले जाने का काम करने वाले थे, उन युवाओं को आज डी ग्रुप के माध्यम से कहीं चपरासी बना के रख दिया, कहीं किसी को नाई बना के रख दिया। तो युवाओं के लिए भी अब सोचने का टाइम आ गया कि जो नौकरियां उनको मिली हैं क्या वो इनके लायक थे, या इनसे ऊपर जाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर अब आम आदमी पार्टी बुआणा के अंदर 17 फरवरी को हुट्टापाड़ रैली करने जा रही है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये भी है कि मैं जिले की जनता को आह्वान करूं कि वो घरों से निकले और इस हुट्टापाड़ रैली के अंदर जाकर अपनी आवाज को उठाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है इस टाइप के जैसे सरकारों के पास होते हैं, ना कोई ज्यादा पैसा है। आम आदमी पार्टी आम लोगों से रैली करती है, बगैर पैसे की रैली करती है। तो मेरा आप लोगों के द्वारा इस सरकार को भी ये ध्यान कराने का काम है कि इस बार जो हुट्टापाड़ रैली गुआणा के अंदर हो रही है, वो आए और देखें कि कैसे आम जन की भागीदारी से हम एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, और इसके अंदर आम जन की भागीदारी होगी और सबसे ज्यादा लोग इस रैली के अंदर आएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा अभी बार बार जो गठबंधन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के गठबंधन हुए हैं, बीजेपी भी अब एक नया गठबंधन करने जा रही है इनेलो के साथ में। तो ये जो गठबंधन होने लग रही है इस टाइम पर, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो इसका एक संकल्प था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए, और आप लोगों ने देखा अभी कि राजनीति की कुछ नेताओं की अब चाल बदली है। हमने 2667 के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य दिया है। तो जो हुट्टापाड़ रैली, हुट्टापाड़ रैली क्यों, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो इसका जवाब में हमने यही बताया है कि भाई अगर आपको शहीद के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए तो हुट्टापाड़ रैली में आइए, अगर आपको बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए तो हुट्टापाड़ रैली में आइए, अगर किसानों को 20,000 के हिसाब से मुआवजा चाहिए तो हुट्टापाड़ रैली में आइए, अगर किसान चाहते हैं कि उनका भी समर्थन मूल्य हरियाणा के अंदर 2616 रुपए हो तो हुट्टापाड़ रैली में आइए। तो ये हमारा मकसद है, हम चाहते हैं कि ये दमनकारी सरकार जो इस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर है, पिछली बार आपने देखा भी होगा अरविंद जी आए थे, इससे पहले करनाल में उनको आने से रोक दिया गया था, काफी जगह हमने स्कूल अस्पताल रैली ऑर्गेनाइज करी, अलग अलग लोकसभाओं में 10 स्कूल अस्पताल की रैली हमने की। इन 10 स्कूल अस्पताल की रैलियों के दौरान जैसे ही वो करनाल पहुंच रहे थे एक डिस्पेंसरी को देखने, तो अरविंद जी को इन्होंने रोकने का काम किया था। अंदर बताया जाएगा, एक बड़ी घोषणा भी की जाएगी कि कैसे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक बदलाव के रूप में आपके सामने होगी। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था, आपके माध्यम से मैं चाहता था कि जिले की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस आम आदमी पार्टी की रैली, हुट्टापाड़ रैली को सफल बनाए। धन्यवाद।